हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? मैं आपसे एक बात बता रहा हूं मेरे प्रियो, देखिए शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं। शैतान का बस एक ही मकसद है मेरे प्रियो कि अपने साथ लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था मेरे प्रियो, वो तो उस नर्क में जाएगा ही और साथ में तुमको भी ले जाएगा, क्योंकि वो अकेला उसमें जाना नहीं चाहता है। बाइबल बताती है अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में लोगों का रवैया ऐसा ही है, खरी शिक्षा सह नहीं सकते हैं, बस अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। बाइबल बताती है अंत के दिनों में मेरे प्रियो, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनको कड़वा पानी पीना पड़ेगा, खून पीना पड़ेगा, प्यास के मारे उनकी जी बैठेगी मेरे प्रियो, जो लोग यहाँ बच जाएंगे, जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। और बाइबल बताती है भाई भाई को मारेंगे, पिता पुत्र को मारेगा और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है अंत के दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था धन्य वे हैं जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। मेरे प्रियो, उस समय जो लोग यहाँ बच जाएंगे मसीह विरोधी के राज्य में मेरे प्रियो, वो मसीह विरोधी शांति शांति करके बैठाएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। जो लोग यहाँ बच जाएंगे वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे। जो लोग धरती पर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, परम प्रधान लोग हैं, धनवान हैं, सामर्थी हैं, स्वतंत्र हैं, छोटे बड़े सब जो यहाँ बच जाएंगे वे लोग अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में जाकर छिपेंगे और क्या बोलेंगे, चट्टानों से पहाड़ों से हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो, हम जीना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग जीना चाहते हैं मगर उस समय लोग मौत मांगेंगे, फिर भी मौत नहीं आएगी, क्योंकि आज लोगों को बताया जा रहा है मन फिरा लो, मन फिरा लो, अंत निकट है, यीशु पर विश्वास कर लो, रैप्चर कभी भी हो सकता है। मगर उसकी समझ में नहीं आता है मेरे प्रियो, वो अपना मन फिराने का नाम ही नहीं ले रहा है, वही गलत गलत काम, वही सांसारिक जीवन। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आ जाऊंगा, तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आऊंगा। वह घड़ी दोपहर की, शाम की, रात की भी हो सकती है, नाश्ता करते समय भी हो सकती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, दो जन रात में खाट पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब यीशु आएगा, जो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, जो तैयार होगा उसको यीशु मसीह बदलकर उठा लेगा और दूसरे को छोड़ देगा। अब छोड़ने वाले कौन है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनने, छोड़ने वाले वे लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करने के कारण भी पाप करते हैं, जो विश्वास ही नहीं करते हैं, जो पाप भरा जीवन बिताते हैं, ठीक है, वे लोग छोड़ दिए जाएंगे। क्यों? यीशु ने कहा था। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर करें, क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकती हैं, उसके बदले परमेश्वर आपको मुकुट देगा, स्वर्ग का जीवन देगा। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में कितना खुशियां मनाई जाती हैं, स्वर्ग दूत उछलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं शाम को प्रेयर के साथ, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।